हेलो, कैसे हो सब लोग? आई होप सो सब बढ़िया चल रहा होगा। तो भाई आज जो है फिनाले है सीजन टू का एंड जुजुत्सु काइसन का भी, मतलब अभी जब इसके बाद एपिसोड सीजन आएगा तो जबकि जब देखेंगे सीजन टू का फिनाले है। तो लेट्स गो, आई होप सो सब मजा आए एंड लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना एंड वीजा एंजॉय करना एंड प्लेलिस्ट आके चेक करना। लेट्स गो। और ये बड़ा सा गड्ढा गेटो एंड उसके सामने एक लड़की तो आई थी लास्ट में एंड आज मेरे को लग रहा है कुछ फाइनल में मजा सा आ जाए, बस और कुछ नहीं, पूरा जुजुत्सु काइसन वसूल हो जाए। देखना शक्तियों को दुनिया से खत्म करने के कितने तरीके हैं। उसने बताया था ना वहाँ उसके लिए चाहे जो भी तरीका अपनाऊं उससे इंसान ऊपर उठकर और बेहतर दर्जे पर पहुंच जाएंगे। अब मुझे लारू के तैयार होने तक सब संभालना है। लारू कौन है? अब इंसानों का अगला स्टेज है खुद को शापित शक्तियों से आजाद करवाना। बिल्कुल नहीं, हमें उन्हें इस्तेमाल करना सीखना है। पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, आई डोंट नो। उसके कंधे में बर्फ देखने बर्फ लगे हुए। मुझे लगा था तुमने मुझे भी नहीं आ रहा है। 12 साल पहले ही कैंसिल कर दिया था जब तूजी मरा था। मैं तुमसे नहीं गेटो से बात कर रही हूँ। खैर जो भी हो, मैं फिर उसी प्लान पर काम कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी शापित शक्तियों के प्लान में बहुत बड़ी कमी है। जापान के मुकाबले दुनिया के बाकी सभी देशों में ना के बराबर जादूगर और शापित शक्तियाँ जन्म ले पाती है। तुम्हारा ये प्लान काम करे उसके लिए टेंजिन के कवचों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ओके, अब ये कौन सा कवच है? टेंजिन की मदद से शापित शक्तियों को काबू में किया तो सिर्फ इस देश के इंसान ही जुजुत्सु जादूगर बन पाएंगे। यानी शापित शक्तियाँ सिर्फ और सिर्फ जापान के ही काबू में रहेंगी। बाकी के देश खासकर वो जो सुपर पावर है वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। वो जिंदा इंसानों को एनर्जी सोर्स की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। तुम समझ सकते हो कि इंसान आरामी होते ही है। बुरा हाल होगा और दुनिया का ऐसा बुरा हाल होना मेरे उसूलों के सख्त खिलाफ है। ओके। इससे क्या फर्क पड़ता है, पहले से ही हम दोनों के मकसद अलग है। ना ही मुझे शापित शक्तियों को खत्म करना है और ना ही मुझे शांति कायम करनी है। आम इंसान, जादूगर, शापित शक्तियाँ, अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी बस इंसान नामक शापित शक्ति के अलग अलग रूप हैं। लेकिन ये सभी इस शक्ति के बेहतरीन रूप नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इंसानों का बेहतर रूप और भविष्य बनाने की। हाँ, बहुत कोशिश करी है तुमने इंसानों को खत्म करके, लेकिन मैं ये नहीं कर पाया। मेरे अंदर जितनी ताकत थी उसके मुताबिक मैं कोई नया रूप नहीं बना सकता था। और तबाही के बीच मुझे मेरी उलझनों का एक हल साफ दिखाई देता है। क्या तुम समझ रही हो ना? नहीं। मुझे ऐसी तबाही शुरू करनी थी जिसे काबू में कर पाना मेरे बस की भी बात ना हो। और मैंने उस तकनीक की शक्ति भी हासिल कर ली है। क्या यहाँ माहितो की एक शापित शक्ति थी ना, वही जिसके पास आत्माओं का रूप बदलने की शक्ति थी। उसे तो इस आदमी ने अपना निकल लिया। तो ये उससे ही कुछ यूज कर रहा है। ये बड़े लेवल पे कर रहा है ये। सो मतलब ये सबकी आत्माएं बदल सकता है बिना छुए ऐसे करके क्या? तभी उसने उसको निकल लिया मार के। इसने यहीं से कहीं और मौजूद शापित तकनीक को एक्टिवेट किया है। ओके। तुम्हें थैंक्स कहूंगा, यू जीता तुम। अच्छा। जैसे ही मैं श्राप रूपांतरण तकनीक से किसी शापित शक्ति को अपने अंदर लेता हूँ तो उसके बाद उसकी तकनीक और बेहतर या ताकतवर नहीं बन सकती। तुम्हारे साथ लड़कर माही तो जितना ताकतवर बन सकता था बन गया। इसीलिए इसने उसको छोड़ा था कि उसके साथ लड़के थोड़ा ताकतवर हो जाएगा, फिर इसको साड़े को अंदर लूंगा मैं। तुमने क्या किया? मैंने यहीं से दूर मौजूद दो तरह के आम इंसानों पर आत्मा बदलने का जादू इस्तेमाल किया था। किस पे? room number 302 रोयो। ये कौन है और इस पे कर रहा है क्या? ये फूसी ब्रो की बहन है। ओ
कुछ इंसानों ने शापित चीजें अपने अंदर ली थी और जुनपे जैसे इंसानों के अंदर पहले से ही ऐसी तकनीक मौजूद थी, लेकिन उनका दिमाग इंसानों की तरह काम करता था। अब मैंने उन सबके दिमाग को जुजुत्सु जादूगरों जैसा बना दिया। पहले टाइप के इंसानों को मैंने वेसल बनने की ताकत दी, जिससे दूसरे टाइप के लोग अपनी शापित तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब फिनाले, मैंने उन शापित चीजों पर लगी सील को भी तोड़ दिया है। उनमें से कुछ लोग गहरी नींद में हैं, क्योंकि मैंने उन पर बहुत ताकतवर शापित शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब इसने किया था और ये अब इसने ऐसा किया, अब वो उसमें आ रही है। मैं एक दूसरे को मारने भेजूंगा ताकि वो शापित शक्ति को और अच्छे से समझे। मैंने सोच समझ कर उन लोगों और शापित चीजों को चुना था। यूं समझ लो कि मतलब ये लास्ट में इंफिनिट सुको योमी टाइप का हो गया ना नारुतो का। सैकड़ों खतरनाक, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तुम इंसानों की अपनी मर्जी के बारे में भूल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इंसान? मेरे को आया था ये, मेरे को ये लगा था ना कि ये आई है तो लड़ेगी बढ़िया से, तरीके से, मजा आएगा, बट यहाँ पे तो बस ज्ञान ही चोर रहे दोनों तरफ से। चलो मैं अभी हिल नहीं पा रहा हूँ। ले हाउ, इसकी हालत खराब हो गई। तुम्हें क्या हो गया? उराव में शक्ति तकनीक से अपने शरीर को ठीक किया था, लेकिन ये जहर है। खंजर इस्तेमाल करते वक्त हमारा खून मिल गया था, ये मेरा ही जहर है। अच्छा, माई हम लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते। ये लेट्स गो, अब स्टार्ट होगी, अब स्टार्ट होगी। गाइस रुक जाओ ना यार, सबर नहीं है क्या तुम्हें? अभी स्टार्ट होगा, हम सब माल पानी एंटरटेनमेंट। ओके, अरे किए भाई, इसको घर भेजो यार। कोई था कि मैंने जो शापित चीजें उन इंसानों के जिस्म में पहुंचाई हैं, वो उन जादूगरों के अवशेष हैं जिनके साथ मैंने 1000 सालों के दौरान जादुई सौदे किए हैं। सबको लड़वाएगा ये, लेकिन इस शरीर को अपनाने पर उनके साथ किए गए मेरे सौदे खत्म हो गए थे। अच्छा, इसका मतलब? मतलब ये कि नई दुनिया बनाने का वक्त आ गया है। इसने अपने सारे मॉन्स्टर रिलीज कर दिए क्या? पता नहीं मैच की क्या होने वाला, बट कुछ तो मजा आने वाला है। अबे उठ जा साढ़े, उठ मर साढ़े मर, मुझे क्या, मुझे तो मजा आना चाहिए बस। इसने सारे, मेरे को लग रहा है अपने सारे मॉन्स्टर इसने रिलीज कर दिए, पूरे के पूरे जितने भी थे इसके पास। और ये रहा गोजो का जेल। इसको उठा कैसे लिया इसने? पहले तो बोल रहा था नहीं उठा पाएगा, इसको लेके चला जाएगा वो। भाई ये सीजन में गोजो का कुछ मतलब नहीं था, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ लड़ाई, इसमें गोजो का कुछ देखने को मिला। गोजो होता तो मतलब इतनी फाइट होती ही नहीं, इतनी ज्यादा है ना। ये स्टार्ट करके चला गया अपना नई दुनिया की शुरुआत, और वो गया। अब यहाँ पर इन लोगों की लगने वाली है, क्या करेंगे क्या नहीं पता नहीं। और वो फैल रहा है आई थिंक सो। फैल रहा है क्या गाइस? नहीं फैल रहा, ऐसे मेरे को दिख रहा है। भाई ये क्या हुआ? दिखा है, वहाँ तो बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई है। ये झूठी खबर तो नहीं है ना? लेकिन हर एक न्यूज चैनल पर यही तो खबर दिख रही है। मैं देर से आऊंगी तो खाना गरम करके खा ले। ये क्या दिखा रहे हैं भाई? सभी 23 वार्ड्स पूरी तरह तबाह हो गए। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की सिक्योरिटी या चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी का भी कोई अता पता नहीं है।
सबसे ताकतवर लोग गायब है, इस तरह तो देश की नींव हिल जाएगी। हिल चुकी है जाड़ो। चाहे कितने भी कम लोग हों, कम से कम 50 लाख लोगों को निकालने का प्लान बनाना होगा। लव होटल्स, कैंप ग्राउंड्स, घोस्ट टाउन्स, जहाँ कहीं भी लोगों को रखा जा सकता है उन्हें वहाँ पर ले जाकर ठहरा दो। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, लोगों को बचा रहे हैं क्या बताएंगे? जब हमें खुद ही कुछ नहीं पता, हम अनाउंसमेंट कैसे करेंगे? खुद को कुछ पता नहीं है तो मैं दूसरों को क्या बताएंगे भाई। ये कुछ ना तगड़ा होने से पहले वाली चीजें दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं। मेरे को लग रहा ना सब मरने वाले हैं। वो सब छोड़ो और किचन में आकर मेरी मदद करो। हाँ ठीक है, आता हूँ। किचन साले वहीं तो बैठा है, आप किचन में काम बुला रहे हो तुम? ओकुतामा, ओइमे सिटी, आकिरुनो सिटी, हाचीओजी सिटी, माचिदा सिटी और आसपास के आइलैंड्स, वो फिलहाल बचे हुए हैं। जो शापित शक्तियाँ आजाद हुई हैं उनकी तादाद 1 करोड़ तो होगी। अब शहर के हर वार्ड के लोगों को कहीं और ले जाकर ठहराना चाहते होगा, यह इनकी कीमत गिरती जा रही है। एक्सपोर्ट्स में तो फायदा होगा ना। जापानी फेडरेशन पागल हो गई है। अगर सब लोग मारे जाएंगे यार, ये क्या दिखा रहे हो? मेरे को सही में लगा था स्टार्ट करने से पहले कि कुछ तगड़ा होने वाला है गाइस, लेकिन यहाँ पर कुछ जान नहीं होने वाली है। लाइव में ही उड़ा दिया भाई उसको, औरत को ले ये भी गया। स्टार्ट हो गई गाइस चीजें, क्या मैच, क्या तुम्हारी मस्त खून उड़ता। अब ये क्या है? कोई फिल्म है? इंपीरियल पैलेस के चारों तरफ भाई वो खून उड़ते हुए देख के ना ज्यादा मजा आता है। बट यहाँ पर खराब भी चीजें होने वाली है। टोक्यो में रहने वालों को शिफ्ट करने के लिए बना था, उन्हें बड़ा करके अपने उन इलाकों के बॉर्डर तक पहुँचा दिया जाएगा। वो फैल रहा है ना गाइस, मेरे को समझ नहीं आ रहा वो फैल रहा है नहीं फैल रहा है। यहाँ कौन खाना खा रहा है भाई, पेट भर रहा है अपना। कोई औरत है, लड़की है या बच्चा है, कौन है? साढ़े चोरी करके खा रहा ना, खा, मेरी लास्ट मील है तेरी। बच्ची है एक, कोई बच्ची, बाय बाय बच्ची, तुम तो गई। As I said, सही में जाने वाली है अक्तरा। कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई आके इसकी मारने वाला है। वो देखो अंधेरा हो गया, अंधेरा मेरे पास कायम रहे, बहुत खतरा है, मेरे पास आ जाओ। परछाई है, हॉरर नहीं होता हॉरर फिल्म में। मेरे पास आओ, अच्छा खाना है, तुम्हें पहले मैं खाऊंगी फिर तुम्हें खिलाऊंगी, इधर आओ। मैं गाना भी गा सकती हूँ। आवाज तो इतनी अच्छी है, तेरी गाना सुनने में भी मजा आएगा तेरी आवाज से। मेरी मॉम कहाँ है? उसी के पास है। तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड, बड़ी बहन, छोटा भाई और टीचर्स, सब मेरे पास है। लेकिन मेरा तो कोई छोटा भाई नहीं है और मुझे टीचर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास भी कोई छोटा भाई नहीं है और मुझे टीचर्स से नफरत है। देख रहे हो उसको, बच्चे को पटाने के चक्कर में ऐसे कर रही है, तो खुद भी तो जा सकती है ना उसके पास, इतना नाटक किस लिए कर रही है यार। इसको भी मार देंगे, पिला दो, खून निकल जाएगा उसके। नहीं, नहीं, नहीं। ये
ये कौन आया, ये कौन आया भाई? Who is this? उसने बचा लिया उसको। ये वापस से बिल्कुल सॉरी, तुम्हें डरा तो नहीं दिया यार? इसको मैं जानता हूँ लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। ये वो है यार, ये जो गेटो के साथ था, बात कर रहा था, ट्रेनिंग पे जा रहा, शायद वो आया ही है। अब मतलब तुम्हारी मॉम या फिर डैड? शायद यार वही है क्या? मुझे नहीं पता। यहाँ पर तो सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, तो इसका घर आसपास नहीं होगा। बहुत दूर से चलकर आई हो क्या? अच्छा, तुमने बहुत मेहनत की है। तुम इन्हें देख सकती हो? हाँ, मुझे इस बात का अफसोस है रिका, तुम मेरे साथ चलो। मुझे माफ करना, जल्दी नहीं आई। क्या किया उसके साथ? क्या किया उसके भाई? चीथड़े उड़ गए, कुछ नहीं बचा उसमें, उसकी बॉडी तक नहीं बची, बस खून दिखा मेरे को। अब तक तुम समझ गए होगे कि असल में मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। मैं बस एक महान हसीना हूँ जो दुनिया से शापित शक्तियों को खत्म करना चाहती हूँ। महान हसीना? शायद इससे मेरी गलती की भरपाई नहीं होगी, लेकिन मैं और मेरे साथी उस जगह पर मौजूद बच्चों को वहाँ से निकालने का इंतजाम कर देंगे। जाकर सही में पूरा एपिसोड टेंजेंट से मिलना ही पड़ेगा। मजा नहीं आया, तो टेंजेंट से मिल जाए, किससे भी मिल, मैं इसके यहाँ पूरा एपिसोड बोल क्या करने वाले हो? ये अपनी क्या करने आई थी यार? मैं इलाम बहुत खूब क्या दिलचस्पी नहीं है, तो क्यों ना हम सीधे मुद्दे की बात करें? हाँ, मुद्दे की बात करते रहो तुम, बहस की पूरे एपिसोड में तो मुद्दे की बात ही हुई है और कुछ हुआ नहीं है। तुम चाहे जितनी शापित शक्तियों को खत्म करो, उससे कुछ साबित नहीं होगा। तो आप जादुई सौदा या कोई और इंतजाम कर लीजिए। वो गोजो सर का स्टूडेंट भी है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़के ने शिबुया में इनुमाकी के हाथ काटे हैं, इसीलिए मैं यूजी इतादोरी को जान से मार डालूंगा। ओह, अब ये भी चल दिया यूजी इतादोरी को जान से मारने। अरे एक तो बोल ही रहा था यूजी इतादोरी को जान से मार दूंगा, और यहाँ पर मेरे सीजन खत्म, एपिसोड खत्म। तो मतलब ये आगे वाले सीजन के लिए बिल्डअप हो रहा था, और ये चाइनीज में, ये सॉरी जैपनीज में जो भी लिखा है ना भाई, मेरे तो समझ आ नहीं रहा। तो साड़ो मेरे को दिखाओ मत, तुम लोग ने पूरा मूड खराब कर दिया। एक तो मेरे को लगा था चलो लास्ट एपिसोड है, कुछ तगड़ा एंडिंग होगी, एंडिंग फाइट वाइट होगी, लेकिन साला कुछ भी नहीं हुआ। और ये साले लास्ट में पता नहीं क्या इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, आई डोंट नो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ है तो दिखाओ ना, मैं इसकी आंख तुम्हारी क्या है? टॉर्च लेके कौन निकला है भाई? कसम से भाई, इससे बुरा एपिसोड मैंने पूरा जुसू काइसेन खत्म कर दिया, नहीं मिला। इतना बुरा एपिसोड है ये, और ये कौन है ये जो टॉर्च ले, और यूजी है ये तो। और ये ठीक हो गया है, मतलब इसको चोट वोट भी नहीं लगी है, ये करने क्या वाला है? क्या था उसने, वो क्या निकाला यार भाई, उसने वो क्या निकाला यार? ताली बजा के कुछ तो बड़े बड़े से निकले मैच के, उसके सिक्की काम ही थे क्या, या फिर पता नहीं मॉन्स्टर थे, आई डोंट नो। और वो ठीक भी हो गया, यानी वो कुछ टाइम बाद का है मे बी, पता नहीं भाई। लास्ट की एपिसोड की पूरी माँ बहन एक कर दी इन लोगों ने भाई, क्या करा यार, इतना बोरिंग एपिसोड निकाला, एक्सप्लेन चल रहा था बस, और कुछ भी नहीं हुआ। एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन मीटिंग, बस यही चीजें हुई हैं।
मेरे को लगा था लास्ट एपिसोड है, बहुत ज्यादा मजा आएगा, कल भी लगा था, आज स्टार्ट करने से पहले भी लगा था, लेकिन मैच क्या कि खत्म करते करते एकदम बुरा, जो कह सकता हूँ ना सबसे बुरा एपिसोड जो मैं मेरे को अभी तक ये वाला है गया है। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि अगले सीजन के लिए ये सारा बिल्डअप था, लेकिन फिर भी एक अच्छी सी फाइट के साथ खत्म होके बिल्डअप कर सकते थे कि हाँ अब अगले सीजन में ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन नहीं, ये सालों ने ऐसा कुछ किया नहीं। खैर क्या ही कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर थोड़ी, हम तो देख ही सकते हैं ना। तो गाइज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे को तो ये वाला एपिसोड इतना मजा नहीं आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनिमे के साथ, एक न्यू एनिमे स्टार्ट करने वाले कल से, तो स्टे ट्यून फॉर न्यू वीडियो एंड न्यू एनिमे। तो इसके साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।